कोरोना काल के दूसरे चरण में खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा में नव निर्वाचित युवा विधायक राम दांगोरे ने पंधाना नगरवासियों को कोविड संक्रमण से बचाने का बड़ा फैसला लेते हुए पंधाना शासकीय अस्पताल के विधायक निधि से 50 लाख बतौर मेडिकल संसाधन जुटाने की घोषणा की। विधायक पंधाना द्वारा अधिकारियों के साथ कोरोना ग्रसित मरीजों के लिए शासकीय महाविद्यालय बनाए जा रहे आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण भी करते हुए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। खंडवा जिला अंतर्गत आने वाले पंधाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम दांगोरे द्वारा आज दोपहर पंधाना स्थित शासकीय कॉलेज भवन में तैयार हो रहे आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया। पंधाना के युवा विधायक राम दांगोरे ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए बताया, पंधाना के शासकीय महाविद्यालय बनाए जा रहे आइसोलेशन सेंटर में 50 बेड की व्यवस्था कर रहे, जो भविष्य में आवश्यकता अनुसार 200 बेड तक की जा सकती है। साथ ही 20 ऑक्सीजन जनरेटर और 3 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा जो भी मांग की जाएगी पूरी करने की वो भरसक प्रयत्न करेंगे। साथ ही उनके द्वारा पंधाना के शासकीय हॉस्पिटल को इस विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए वो अपनी विधायक निधि से 50 लाख राहत की राशि पैकेज का देने का घोषणा किया है, जो कि एस्टिमेट आते ही जारी हो जाएगी। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर स्टाफ के रूप में निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों और नर्सों की भी मदद ली जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंडल अध्यक्ष प्रदीप जगधन ने सीएमओ मनशाराम बड़ोले, बीएमओ जीएस तोमर, तहसीलदार विजय सेनानी, थाना प्रभारी आरएस मालवी सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वो तो से बुला रहा है वो जो बैंक में आओ आईसीयू चल रहा है अपना अपना पासपोर्ट भी नहीं बन रहा है तो नहीं है पासपोर्ट के साथ में कौन सा क्या है क्या मैं पुलिस को भेज रहा था पर वहां जो वास्तविकता का आईसीयू। नमस्कार मित्रों, जैसे कि देश और दुनिया कोरोना महामारी से आज जूझ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में कोरोना के कारण रोज कई मरीजों की मृत्यु हो रही है, कई मरीज लंग्स की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं और आवश्यकता से अधिक संक्रमित मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दें और स्वास्थ्य सुविधाओं को जितना बेहतर करेंगे हम उतनी अच्छी जनता को सेवाएं उपलब्ध करा पाएंगे। पंधाना हॉस्पिटल में भी ऐसी कई आवश्यकता है और इस महामारी से लड़ने के लिए हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन जैसी हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है, जिनके साथ हम कोरोना महामारी से आसानी से लड़ सकते हैं। आज हम सबको मिलकर के इस महामारी से लड़ने की आवश्यकता है। इतनी ज्यादा आवश्यकता है कि संसाधन कम पड़ने लगे हैं, इसलिए मैं क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधी विकास के लिए 50 लाख रुपए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं, ताकि मरीजों के लिए हम लोग ऑक्सीजन जनरेटर्स उपलब्ध करवा पाए, ऑक्सीमीटर्स उपलब्ध करवा पाए, सैनिटाइजर्स, पीपी किट, एम्बुलेंस, ग्लव्स और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं लगती है हम उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम क्षेत्र की जनता के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं और जो भी संभावित हमसे समस्याओं का समाधान करते बनेगा हम पूरी तरीके से उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। और क्षेत्र की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि घरों से बाहर नहीं निकले, आवश्यक कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। हम स्वयं को सुरक्षित रखेंगे तो दूसरे सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा और इस प्रकार देश और दुनिया सुरक्षित रहेगी। मेरा आप सबसे आग्रह है और खासकर उद्योगपतियों से आग्रह है कि आपकी सरकार ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खूब मदद करी है। खबर भारतवर्ष के लिए पंधाना खंडवा मध्य प्रदेश से विशाल पटेल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।